अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का अंदाज़ा आपको थंबनेल से हो गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि क्या हम अपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर स्पाउस को साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। तो भाई, इटली ने जो इसके अंदर चेंजिंग की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी, जब आपका खुद का इंटरव्यू चल रहा हो या आपने अपना जो है वीज़ा जो है वो वहाँ पर फाइल किया हो, तो अगर आप अपने स्पाउस का मीन्स कि अपनी वाइफ का साथ में वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 100% जो है वो रिजेक्शन होगी, आपका खुद का भी वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि इटली एक ऐसी कंट्री है यूरोप के अंदर जो आपको तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इस इटली के अंदर आपकी जो एजुकेशन के ऊपर कॉस्ट आती है वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपये आ रही है, और उसके अंदर भी आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो इस सेंस में इटली को आप कुछ नहीं दे रहे, इटली आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो वो कोशिश उनकी यही होती है कि जो भी स्टूडेंट चाहे वो पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, जो भी यहाँ पर आए वो जस्ट और जस्ट स्टडी के लिए आए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा भी साथ अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ इस चीज़ को शोर कर रही होती है कि ये लोग वहाँ पर फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, जो कि पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड पाया जाता है कि यूरोप के अंदर या यूके के अंदर जो है वो स्पाउस को साथ लेकर जाया जाए, ताकि जो है वो अपनी एजुकेशन लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ का भी इंजॉय किया जा सके और सेटलमेंट के भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपने वीज़े के साथ अपनी स्पाउस का वीज़ा भी अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इटली ने इसके लिए एक अदर ऑप्शन दी है जिसके अंदर आपके स्पाउस वीज़ा के जो है वो तकरीबन 80-90% चांसेस होते हैं कि वो वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है। वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो दो तरह के वीज़े हैं, एक आपका फैमिली रियूनियन वीज़ा है और दूसरा आपका फैमिली कोहीजन वीज़ा है। फैमिली कोहीजन वीज़े की अगर हम बात करते हैं तो इस वीज़े के अंदर जो है वो आपके चांसेस तकरीबन 60% होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को या स्पाउस को जो है वो विज़िट वीज़े के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़े के ऊपर आप जो है वो इटली में उनको बुलाते हैं। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है जिसको आप बाद में लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है वो डी टाइप के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो फैमिली रियूनियन वीज़ा है, इसके जो चांसेस हैं वो तकरीबन 90% होते हैं कि ये वीज़ा आपका अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये और ये वीज़ा आप अपने इटली पहुंचने के बाद विद इन 1 मंथ के बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीज़े का मैं आपको प्रोसेस बताना चाहूँगा कि इस वीज़े के अंदर, इस वीज़े के एप्लीकेशन के अंदर आपको तकरीबन 6 माह लगते हैं, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली, तो जब आप इटली में पहुँच जाते हैं तो तकरीबन 1 मंथ के बाद जो है वो आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, उसमें मेक श्योर आपको ये करना होगा कि आपके जो है वो अकाउंट के अंदर 6,000 यूरो मौजूद होना चाहिए। इसके लिए स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जिसमें 6,000 यूरो जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और अगर आप ईच 1 पर्सन को बुला रहे हैं मीन्स के अपनी स्पाउस को बुला रहे हैं तो 3,000 यूरो आप मजीद इसमें ऐड कर देंगे। ये टोटल बन जाती है कॉस्ट 9,000 यूरो। अब ये जो 9,000 यूरो है, ये लाजमी नहीं है कि आपने अर्निंग ही की हो, ये चाहे आपकी स्कॉलरशिप से पूरे हो रहे हों या आपके अपने सेल्फ जो फाइनेंस से आपकी ये जो स्टेटमेंट है पूरी हो रही हो, या किसी भी तरीके से पूरी हो रही हो, बस ये मैटर करता है। सेकंड थिंग कि जब आपने अपने स्पाउस के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास जो है वो एक अदद घर भी होना चाहिए, क्योंकि इटली के अंदर ये रूल नहीं है कि आप जो है वो शेयरिंग के अंदर भी अपनी वाइफ को या फैमिली को रख सकते हैं। अगर आप एक पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है वो चाहे वो रेंटेड हो चाहे वो आपका अपना घर हो, इट्स डिपेंड ऑन जो है वो स्टूडेंट के ऊपर है, तो उसके लिए जो आपके पास 45 स्क्वेयर फीट का एक घर होना चाहिए, जिसके अंदर मीन्स अगर आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो आपके पास 1 बेडरूम सेपरेट घर होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके 2 पर्सन आप जो है वो इन्वाइट करें, साथ आपके बच्चे भी हैं, तो उसके लिए जो है वो आपका स्क्वेयर फीट बढ़ता जाएगा। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप मज़ीद वहाँ से भी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंड, इसके अंदर अगर आप रेंटेड होम के अंदर रह रहे हैं तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस पर्सन से आपने घर रेंट आउट लिया है, जो भी फ्लैट है या रूम है, वट एवर कुछ भी है, जो आपने रेंट लिया है उससे भी आपने एक NOC लेना होता है, ठीक है, उससे आपने परमिशन लेनी होती है कि मैं इस घर में रह रहा हूँ,
जो भी आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, और ये भी आपने एम्बेसी में जमा करवाना होता है। इसके बाद आपने एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट लेना होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसको कहते हैं नोला ओस्टा। इस डॉक्यूमेंट्स को आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं NOC। इस डॉक्यूमेंट को लेने में तकरीबन आपको 3 मंथ लग जाते हैं। ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंट होता है कि इसमें एम्बेसी आपको ये परमिशन देती है कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं और कंट्री को इसके ऊपर कोई भी इशू नहीं है। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 3 मंथ लग जाते हैं। जब आपको नोला ओस्टा मिल जाता है, तो जो मैंने आपको प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट और जो रेंटेड आपका घर है या आपका अपना घर है उसके डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कंसर्न कंट्री पाकिस्तान या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर एम्बेसी को भिजवा देंगे, और आप अपना फैमिली रियूनियन वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े में आपका जो होल प्रोसेस लगेगा वो तकरीबन लग जाता है आपका 6 मंथ लग जाता है, और इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी कॉस्ट तकरीबन इसके ऊपर आ जाती है तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया आपकी सिर्फ वीज़ा कॉस्ट आ जाती है। इसके लिए स्टूडेंट्स के क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्टली आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, स्टूडेंट का पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपकी 1 ईयर स्टे परमिट चाहिए, जो आपने वहाँ पर घर लिया हुआ है वहाँ पर आपका 1 ईयर का स्टे होना चाहिए। दूसरा आपका कोडिक फिस्कल कोड होता है, जो कि आपको इटली में जब आपको जाते हैं तो वो आपको कोड मिल जाता है। और सेकंड आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये चीज़ चाहिए। और सेकंड जब आप अपनी वाइफ को बुला रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एफर्ट्स ही चाहिए, और आपका निकाहनामा चाहिए कंप्यूटराइज। ये चीज़ें थी जो कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के वक्त ज़रूरी होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह अपने स्पाउस को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी कि क्या हम जो है वो अपनी स्पाउस को अपने साथ लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। तो ये गलती मत कीजिएगा कि अपने वीज़े के टाइम, अपनी एप्लीकेशन के टाइम अपनी स्पाउस का वीज़ा मत अप्लाई कीजिएगा, आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ पर जाएँ, थोड़ी देर सेटलमेंट अपनी कर लें, उसके बाद अपना फैमिली रियूनियन जो वीज़ा है वो अप्लाई करें, और इसमें आपके 6 मंथ के अंदर अंदर आपके वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस होते हैं और आपका वीज़ा ये लग जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगा, और आपको मज़ीद जो है डिटेल वहाँ से भी मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।